नमस्कार मित्रों, सोम एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, लॉकडाउन के अंतर्गत आप सभी की तैयारी जो है सुचारू रूप से चल रही होगी, ऐसी आशा करता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आपको सीटों का विभाजन कैसे होता है यह जानकारी प्राप्त करनी है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँगा कला और कॉमर्स वर्ग की कितनी सीटें डिवाइड की जाती हैं और विज्ञान और कृषि वर्ग में कितनी सीटें आती हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों को इसका फायदा हो सके। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो लोग बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक और प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, तो आपको जो है नीचे एक लिंक को कमेंट्स बॉक्स में भी दे दूंगा। और यहाँ पर हमारा जो दूसरा चैनल है, न्यू चैनल है, उसके लिए आपको सहयोग करना है। और बीएड के सभी मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपके लिए जो है 100 से अधिक महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट दिए गए हैं, जो कि आपके पिछले 10 वर्षों के आपके क्वेश्चंस पेपर हैं, वो आपको वहाँ से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। और जो महत्वपूर्ण हैं वो भी आपको नए क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं। तो वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है, साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का। तो उस चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि बात की जाए तो कला और कॉमर्स वर्ग की, तो कला और कॉमर्स वर्ग को जो है देखिएगा एक भाग में रखा जाता है। और यहाँ पर यदि कॉमर्स में यदि बात की जाए तो कॉमर्स में देखिएगा जो भी कला और कॉमर्स वर्ग के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो है अलग से प्रावधान नहीं होता है। दोनों के लिए जो है एक ही प्रकार की सीटें रखी जाती हैं। कला और कॉमर्स वर्ग के लिए अलग अलग सीटें आपकी नहीं होती है। हालांकि एंट्रेंस एग्जाम में दोनों का जो 50 क्वेश्चंस का पार्ट है वो अलग अलग आएगा, लेकिन यहाँ पर जो 60% सीटें हैं वो आपको जो है कला और कॉमर्स वर्ग की कंबाइंड सीटें होती हैं। यदि बात की जाए, यदि किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो आपकी जो है यहाँ पर 60 सीटें जो हैं कला और कॉमर्स वर्ग के स्टूडेंट्स की होंगी। बाकी जो 40 सीटें हैं, बाकी जो 40% है आपका, देखिएगा जो शेष 40% बढ़ता है वो होता है आपका साइंस वर्ग के लिए। इसमें साइंस होता है और प्लस आपका जो एजी होता है एग्रीकल्चर वर्ग होता है। तो दोनों के लिए जो है 40% सीटें रखी जाती हैं। कॉमर्स और आपका आर्ट वर्ग के लिए जो है 60% सीटें होती हैं। तो इस तरीके से यदि किसी, आप समझ सकते हैं, किसी कॉलेज में यदि 50 सीट हैं तो आपकी जो कॉमर्स और कला वर्ग के लिए जो हैं आपकी आएंगी यहाँ पर देखिएगा 36 सीटें, और यहाँ पर जो 24 सीटें हैं वो आपकी साइंस प्लस एजी के लिए आएंगी। तो इस तरीके से सीटों का विभाजन होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया।